ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने मैट्रिक की और मैं नर्सरी से स्कूल में था। और मैंने अपनी स्कूल के दौर के आखिर 3 साल मतलब 7, 8, 9, 10 मतलब जब 8 में मैं जब आया आखिर 3 साल 8, 9 और 10 3 साल जो है ना तो मैंने इस क्लासरूम में गुजारा है। क्लासरूम के बारे में तो जाओ क्लासरूम ये जो है ना ये लिखा है लाइफ साइकिल बटरफ्लाई ये सारी चीज़ें ये उसमें नहीं लिखा हुआ था ये अब लिखा गया है लेकिन ये सब सब कुछ था उधर ये भी था ये डेस्क बेंच जो है ये वही है मेरे दौर के मुझे याद है हम इसी पे बैठते रहे। और ये उस वक्त मुझे याद आ रहा ये हमारे पिछला बेंच होता था इधर मैं बैठता था या नूरजमान मुदस्सिर मानी इसरार हसान ने सबसे आगे बैठना इधर अली होता था अली एक दोस्त था हमारा अली जट अभी तक भी देखेगा अली जट तो उसको पता लगेगा या अली जट बैठा करता था अहमद रजा बैठा करता था मंसूर इमाम बैठा करता था यहाँ काफ़ी अक्सर इसरार भी ये बेंच यूज़ करता रहा मुझे याद है इसरार यहाँ बैठा करता था अक्सर इसरार की जगह चेंज होती रहती थी। हमने ना वो शिवरात में ना वो पटाखे मिला करते थे चिड़चिड़ कहते थे उसको क्या कहते थे उसको चिड़चिड़ी जी वो जिसको दीवार पे ऐसे हाँ मारते थे हाँ पटाखा निकल देते थे उसको ऐसे से करना तो वो धुआं निकल और क्लास में बदबू फैल जाए तो अल्लाह जल्द नसीब करे जुए साफ हो। वो उन्होंने बहुत चिड़ना है वो कहते थे वो कितों आ रही है कौन वो किन्ने वो मचाई है तो रोला डाल देते थे क्लास में कौन या हम आइए देखो जैसे अभी की गंद पड़ा हुआ नीचे तो हम स्कूल में ऐसे ही करते थे उस वक्त 1 रुपए की 4 रसीलियाँ मिला करती 1 रुपए की 4 रसीली सिपारी जो आज 5 रुपए की एक हो गई है उस वक्त 1 रुपए की 4 मैंने 1 रुपए की 8 भी ली है रसीली सिपारियाँ हमने 2-3 रुपए की सिपारी ले ली थी तो ला जानी हमने खा खा के यहाँ रैपर फेंक के रहने सर जवेर के देखना तो उन्होंने कहना पाला पाला पूरी मूछे पाला पूरी मूछे पाला ओह माय गॉड ये वही जेल है ये सर की जेल वही है यहाँ आना बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त हमारा अलाउ नहीं होता था इधर आना बड़ी यादें जुड़ी हैं यार इस तालाब के साथ स्कूल के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। आज ये स्कूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये देखिए इसमें आज आज थोड़ा सा हमारे दौर में ये चीज़ नहीं थी कि जैसे ये फ्लावर है ये ट्री बना हुआ है इस पर फ्रूट लगते हैं इस पर स्टीम आती है इस पर ये लीफ है ये रूट्स दिखाई दी आज वो चीज़ नहीं है ये हमारे एक बहुत पुरानी है ये हमने स्कूल में मजाक किया था टीचर के साथ ये वो मैंने आज दोबारा से बनाई ये चीज़ ये मूछे हैं ये सर जो मेरे दोस्त हैं वही चीज़ को जानते हैं और कोई जानता ना हो मानी शाह जानता पर ये दरवाज़ा होता था यहाँ पहले खाली होता था आज इसको बंद कर दिया मगर ये बेंच देख के आज मेरा ना बड़ा मज़ा सारे बेंच की इधर इरफान इब्राहिम की इधर वो पड़ी होती थी इरफान इब्राहिम हमारा क्लास चलो तो आजकल वो इंग्लैंड में होता है तो आने वाला उसकी शादी है इधर वो ना अपना टिफिन रख दिया करता था उससे जैसे वाशरूम में जाना तो हमने पीछे से टिफिन निकाल के ना खा जाना मेंटल भी नहीं लगाना था मैं मुदस्सर इसरार नूरा ऐसे खा लेते थे ये हमने आए रहे ये रखे ये हमने अपने अपने दौर में भी बनाई थी इसी तरह ही 3-10 लेकिन ये आजकल के बच्चों ने बनाई होगी हमारे निशान तो इस टेक्स में से ख़त्म भी हो गए होंगे अब इसमें पता कितने कितने निशान लग गए आज मैं कितने साल 10-12 साल के बाद इधर आया सन 2009 में मैंने छोड़ा था 9-10 साल के बाद इधर आया आए बाहर आए बाहर से था यहाँ बारिश बहुत बड़ा समय हुआ करती थी यार हम मैं आर्ट्स का टीचर था सॉरी स्टूडेंट था आर्ट्स का ठीक है मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था तो सुबह पहला लेक्चर तो इंग्लिश का जो होता था वो संस्कृत में करते थे उसके बाद जो है जैसे अगला जनरल साइंस का हुआ करता तो हमारी यहाँ क्लास में आई ये बच्चे आजकल इनकी इनकी एज में आने लगे आप शादी करते हैं
लाइब्रेरी की चीज़ लाइब्रेरी की लिबॉर्ट्री थी, आज मेरी चीज़ खत्म हो गई है। ये लिबॉर्ट्री थी, बड़ी सारी सामने लेबॉर्ट्री बना ली थी, आज मुझे लगता है कि ये सेपरेट हो गया है। ये कैंटीन थी हमारी, ये देखो यार ये चीज़ बन गई। ये किसी दौर में कैंटीन थी, फिर इसको क्लासरूम बना दिया गया, अब जो ये इसको सेपरेट कर दिया गया, यहाँ से फैमिली जो है सर की फैमिली जो है ना वो रहेगी यहाँ। तो सर शाह साहब हुआ करते थे, अब वो नहीं है, वो भी नहीं, याद नहीं है। ये कैंटीन में हमने बहुत चोरी करके चीज़ें खाई हैं सर की, सर को याद नहीं। इधर मतलब इधर ना लाइट लगी होती थी किसी दौर में, तो सर शाह साहब ने कहना कि कैंटीन बंद करके ना लाइट ऑफ कर दी है, तो हम लाइट ऑन कर देते थे लेकिन जान बूझ के बिजली ज़ाया करने के लिए। ये क्लास थी, ये आई थिंक सिक्स क्लास होगी यार, इस तरह देखो ना सिक्स क्लास है ये, मुझे आज भी याद है ये सिक्स क्लास थी, उस वक्त भी सिक्स ही थी, आज भी सिक्स ही है। इसकी भी बना दे, इसकी भी बना दो यार, इसकी भी बना दो। ओ नाम भी जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ भी पहचान में चल जाएगा। ये देखिए ये किसी दौर में ये भी ये, अब मुझे नहीं लगता ये वाशरूम, उस दौर में वाशरूम ही था, अब भी ये वाशरूम ही बना हुआ, लेकिन समझ से बाहर है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है इसको, राइट। और उसके बाद हाँ वो एक वो क्लास थी, अच्छा वो दो क्लास ये क्लास इस क्लास में हम बैठा करते हैं, चाबियां मारी थी, रोमड़ा डाल गया, कनेक्ट करते हैं बताया गया सर ने मारा, जरा असम्बली हुआ करते थे, पेपर होते थे तो इधर लाइटें लग जाती थी हमारे, जब सर जुनेद साहब ने टेस्ट लेना ना तो हमें ऐसे बिठा देना, तो हम जो लड़के थे नालायक लड़के जो थे ना पीछे भागते थे, पीछे भागते थे, तो सर कहते थे जा चल जाओ घर, चल जाओ घर घर चल। जब यहाँ ये पहले यहाँ से हमें बाहर नजर आता था, ये अब जो ना खुला कर दिया, नीचे शॉप वगैरह सर ने बना दी है, वो वाशरूम हुआ करता था, वहाँ वहाँ पानी पीने का सारा निजाम था, जहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं, हमने हर 5 मिनट बाद पानी पीने आ जाते, सर पानी पीने, सर पानी पियो, सर पानी पियो, ये वाशरूम था इधर आपने थोड़ी गंदगी डाली हुई। ये वाशरूम दूसरा तीसरा था कि हमने इस वाशरूम में इतनी गंदी बातें लिखी होती थी ना, हर दूसरे दिन इरशाद साहब हमें पकड़ के ले आते थे कि ये गंदी बातें कौन लिखता, तो हम कहते थे आपने लिखा। तो इधर ये जो है ना ये चीज बड़ी यादगार है हमारे लिए, यहाँ छुट्टी होने तो हमने फ्यूज उतार लेने, अच्छा यहाँ जैसे छुट्टी होनी हमने यहाँ से निकलना, तो हम बच्चे बच्चे थे यहाँ से गुजरते, तो हमने यहाँ से फ्यूज उतार के ले जाने, अगले दिन जब सुबह स्कूल में सबसे पहले सर इरशाद साहब आए होते थे, सर इरशाद साहब जो थे हमारे प्रिंसिपल के वालिद साहब थे, वो हयात नहीं, तो उस समय वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो हम ये उतार लिया करते थे। अगले दिन जब स्कूल आना तो वो सर लाइटें नहीं जलती, पूरे स्कूल की लाइटें जलती, तो फिर वो जाके दोबारा नया फ्यूज लेके आते लगाते। ये 2-3 दिन हमने ऐसे हरकतें करना शुरू कर दी, 2-3 दिन के बाद फिर हमने ऐसे फ्यूज उतार के ले जाना, तो तीसरे दिन क्या हुआ सर शाह साहब ने ना 3-4 दिन के बाद इधर डंडा लेके खड़ा हो जाना यार, और ये फ्यूज जो थे ना इनको नेल लगा के ना यहाँ डंडा लेके खड़े हो जाना कि भाई अब देखते हैं कौन उतारता है, तो अब किसी ने उतारना थे सर जो खड़े हो गए थे, हमें तो पता लगता था कि सर खड़े ही इसलिए, 3-4 दिन के बाद सर पर खड़ा होना बंद कर दिया, हमें फिर उतार लिए, आखिरकार उन्होंने फ्यूज लगाना बंद कर दिया और उसको डायरेक्ट कर दिया। तो ये एक बड़ी कहानी है छोटे सर जुनेद सर यूसुफ साहब के बेटे को मारा जाता है। बहुत खराब हुआ
ये साथ सर अर्शद साहब हुआ करते थे हमारे।